ट्रांजिशन बीटीएस का हूँ या फिर सरप्राइजेस की मशीन, एक ही बात है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में जिस हिसाब से बीटीएस मेंबर्स के नए-नए सरप्राइजेस की अनाउंसमेंट हुई है, सरप्राइजेस की मशीन कहना ही ठीक रहेगा। कभी कभी लगता है कि बीटीएस की सरप्राइजेस की मशीन इंडिया में बारिश की तरह है कि जब नहीं पड़ती तो पड़ती ही नहीं है, और जब शुरू होती है तो खत्म होने का नाम नहीं लेती। उसी तरह बीटीएस के सरप्राइजेस भी पिछले कुछ टाइम से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, जिस वजह से बीटीएस के सरप्राइजेस का ट्रैफिक जाम लग गया है और बहुत सारे बीटीएस आर्मी कंफ्यूज है कौन से वाले पर फोकस करें और कौन से वाले पर नहीं। पर डोंट वरी मेरे होते हुए आपका कुछ मिस नहीं होने वाला, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी जरूरी अपडेट लपेटने वाले हैं और शुरू करेंगे आज की पहली हेडलाइन, जिसे सुनने के बाद अब तितली की तरह आसमान में उड़ने लगोगे, क्योंकि एक बार फिर आपके फेवरेट केपॉप आइडल जियोन जुंगकुक ने पूरे फैंडम को प्राउड से फूलने पर मजबूर कर दिया है। हाल ही में ये अनबिलीवेबल कारनामा कर और एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर। तो आप सबको पता होगा कि वैसे तो बीटीएस मेंबर्स आए दिन कोई ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते और तोड़ते रहते थे, लेकिन जब से उनकी सोलो जर्नी शुरू हुई है किसी न किसी को तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का और बनाने का काम अपने कंधों पर लेना था। तो इसकी शुरुआत की है जंगकुक ने कल एक अमेजिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर। जी हाँ आदमी, जियोन जंगकुक दुनिया के ऐसे पहले केपॉप आइडल बन गए हैं जिन्होंने स्पॉटिफाई पर 1 बिलियन स्ट्रीम अपने नाम किए हैं। जंगकुक ने अनबिलीवेबल फीट अपने 3 सॉन्ग ड्रीमर, लेफ्ट एंड राइट और स्टे अलाइव को मिलाकर अचीव किया, और जंगकुक इस तरह पहले सोलो केपॉप आइडल बन गए जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अपने नाम किया। और उम्मीद है आगे भी जंगकुक और बाकी बीटीएस मेंबर्स इसी तरह के रिकॉर्ड तोड़ते और बनाते रहेंगे। इसके बाद अगली हेडलाइन है बीटीएस सुपरस्टार किम तेहोंग को लेकर, जिन्होंने हाल ही में अपनी पहली सोलो फैन मीट के बाद दुनिया भर में फैंस के बीच खलबली मचाकर रख दी है, और आदमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि उन्हें किम तेहोंग से रियल लाइफ में मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन बहुत सारे इंडियन फैंस इसके बाद कंफ्यूज हैं कि क्या वो भी फैन मीट में हिस्सा ले सकते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। तो आदमी, मैं आपके अरमानों पर पानी तो नहीं फेरना चाहता, पर हकीकत यही है कि इंडियन फैंस के इसमें जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये टिकट नहीं बल्कि सिमिनर्स नाम की इंडोनेशियन कंपनी करा रही है जो कोरिया में 11 जून को होगा। ऐसे में बहुत सारे इंडोनेशियन फैंस को इसमें जाने का ज्यादा मौका मिलेगा, उन्होंने सिमिनर्स कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदे होंगे और उनका नाम लकी ड्रॉ में आएगा। इसके बाद है खबर उस मेंबर को लेकर जो फिलहाल हम सबके बीच नहीं है और मिलिट्री में अपनी सर्विस दे रहे हैं, यानी आदमी की सनशाइन जे होप। कल उन्होंने पहली बार मिलिट्री से अपने पेरेंट्स यानी मॉम डैड के लिए एक प्यारी सी पेंटिंग बनाते हुए उनके लिए एक मैसेज पोस्ट किया, जिसने फैंस को बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया, क्योंकि कल कोरिया में पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया गया था और जे होप मिलिट्री में है, तो उन्होंने मिलिट्री से ही हार्ट और फ्लावर्स बनाते हुए अपने मॉम डैड के लिए लिखा कि मॉम डैड आपको पेरेंट्स डे मुबारक हो, मुझे इस दुनिया में लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पालकर बड़ा किया, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि जे होप न सिर्फ एक अच्छे केपॉप आइडल है और अच्छे इंसान है बल्कि एक बहुत अच्छे बेटे भी हैं। बाकी इस जे होप के मैसेज को देखकर और जंगकुक के रिकॉर्ड तोड़ने पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को।